गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम योर ईवीएस बुक वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। इट इज चैप्टर नंबर 13। चिल्ड्रेन, इन अ वर्ल्ड दैट इज फिल्ड विद हेट, अग्लीनेस, पॉवर्टी, डिजीजेस एंड फेमाइन, फ्लावर एंड द यूजेस ऑफ इट in our lives brings a sense of freshness and brightness। हमारे चारों तरफ, पूरी दुनिया में चारों तरफ हर तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक मैंने जैसा अभी बोला, हेट, अग्लीनेस, पॉवर्टी, डिजीजेज, बीमारियाँ हैं, कहीं लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, किसी को एक दूसरे से सेल्फिशनेस की भावना हो रही है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही सोच समझ करके उसे हैंडल करना है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही क्या होता है, द यूजेस ऑफ इट इन आवर लाइफ ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ फ्रेशनेस एंड ब्राइटनेस। जब सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की जो भी हमारे लाइफ में होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो हम लोग कितना रिलैक्स फील करते हैं, फ्रेशनेस, ब्राइटनेस, है ना, हम और भी ज़्यादा अच्छे से आगे करने की सोचते हैं कि क्योंकि हमें किसी ना किसी टाइप का उस चीज़ से एक्सपीरियंस मिलता है, है ना, एक्सपीरियंस मिलता है। अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ट्रबल भी है हमारे लाइफ में, है ना, ट्रबल मीन्स मुश्किलें, कई तरह की मुश्किलें हैं। अगर मुश्किलें ही नहीं होंगी तो हम लोग उसे हैंडल भी नहीं करेंगे और ना ही हमारे लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें हो पाएंगी, है ना। सो चिल्ड्रेन, फ्लावर आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट्स टू अस बाई नेचर। So we shall be discussing various aspects of flowers and answering questions such as what are the different type of flowers, how many species of flowers exist in the world, what are the different uses of flowers, which is biggest flower in world and many more। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर होते हैं और ऐसे कई स्पीशीज मीन्स जो उसकी वैरायटी है फ्लावर्स की, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। कुछ तो ऐसे हैं जो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी हैं और हम लोगों को उनकी केयर करनी है। ओके, विच वन इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे बिग फ्लावर कौन सा है इस वर्ल्ड में। आई नो दैट यू ऑल नो, आप सबको पता होगा। ओके, so children, now let's start the chapter world of flower with reading it। flower are most of the beautiful part of a plant। plants have different type of flowers। these flowers are different sizes, shapes and colors and smell। some plants like grass and weeds do not have bright color and fragrant flowers। children, plants are of different size, okay, different size, different shapes, different colors, smell, in these all the different things in a plant फ्लावर। जो अलग अलग फ्लावर होते हैं, जस्ट लाइक रोज़ का स्मेल देखो अलग है, उसका कलर भी अलग है, उसके शेप और साइज़ भी अलग हैं। उस तरह से मैरीगोल्ड देखो, उसमें भी अलग अलग है। जो हमारे नियर बाई है, अभी मैं उसके बारे में ही तुम्हें बता रही हूँ। वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो अभी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि दीज डिफरेंट फ्लावर्स हैव shapes, size and colors, smell, okay। some plants like grass or weeds, कुछ ऐसे भी plants होते हैं जहाँ पर flowers from birds, flowers grow from birds, when birds open they bloom into flowers।
आई एम सेइंग बर्ड्स नॉट बर्ड्स, ठीक है ना? आप लोगों को बर्ड याद होगी, चिड़िया, बी आई आर डी, बट इट इज़ बी यू डी, बर्ड्स. सो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. बर्ड्स इस तरह से सबसे पहले प्लांट में आते हैं, देन आफ्टर इट्स ग्रोन अप एंड लुक लाइक्स दिस, एंड आफ्टर टू दैट द बर्ड्स ब्लूम इन फ्लावर लाइक दिस. ओके, सीजनल फ्लावर्स, सीजनल फ्रूट्स होते हैं. आप लोगों ने सीजनल फ्रूट्स तो सुना ही होगा, तो उसी तरह से सीजनल फ्लावर्स भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ही ब्लूम करते हैं. फ्लावर्स लाइक लिली एंड रोज आर सीन थ्रू आउट द ईयर. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन अ पर्टिकुलर सीजन. चिल्ड्रन, हियर लिली एंड रोज, दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड सम अदर फ्लावर्स ऑल्सो दैट ब्लूम्स थ्रू आउट ईयर. पूरे साल ये सब खिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही खिलते हैं. और वो फ्लावर्स कौन कौन से हैं? लाइक दीज ऑल, डाइलिया, पैंजी, जैस्मीन, पेटूनिया, है ना? ये स्पेशल फ्लावर्स हैं जो नॉर्मली हम लोगों के आसपास नहीं देखने को मिलते हैं. डालिया तो दिखते हैं, डालिया और पैंजी, है ना? ये सारे फ्लावर्स किस सीज़न में खिलते हैं? दे ब्लूम ड्यूरिंग विंटर सीजन. ओके, सो चिल्ड्रन, हियर इज सम फ्लावर्स पिक्चर्स दैट ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. दीज ऑल्सो आर वेरी स्पेशल फ्लावर. हियर, सॉरी, दिस वन इज ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड दिस वन ड्यूरिंग समर, ठीक है ना? हियर डैफोडिल, ट्यूलिप, ये सारे ऐसे हैं. हियर सम फ्लावर्स नेम इज ऑल्सो गिवन, कार्नेशन एंड कैलियोफिसिस. दिस ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. एंड फ्लावर लाइक सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सालविया ब्लूम ड्यूरिंग द समर सीजन. दीज आर द फ्लावर्स नेम एंड दीज आर सीजनल फ्लावर. सीजनल फ्लावर हो गए ना, क्योंकि कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो स्प्रिंग सीजन में ही ब्लूम करेंगे, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो विंटर में ही ब्लूम करेंगे. ओके, तो दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड सीजनल फ्लावर्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर वी आर टॉक्ड अबाउट दैट सम ऑफ प्लांट्स दे हैव no flowers. So here is plants like fern and pine tree, they do not have any flowers. Okay, so ये सारे ऐसे हैं. कुछ और जैसे grass में भी मैंने बताया था, grass, weed, ये सारे ऐसे plant हैं जिसमें कोई भी flower नहीं होता है. Okay, even pine tree do not have flower. Pine tree, ये जो दिख रहा है ना, ये कोल्ड रीजन्स, जहाँ पे कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये पाइन ट्री देखने को मिलता है. इसमें भी कोई भी फ्लावर नहीं होता है. ओके चिल्ड्रन, आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.